देख रहे हैं खटपट न्यूज़। नमस्कार, खटपट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रेखा शिवास। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले में कोरोना संक्रमण और मौत के घटते आंकड़ों से अब राहत की उम्मीद जगी है, जिसे लेकर बिलासपुर कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कुछ छूट के साथ लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है। बीते सप्ताह भर में जिले भर में नए संक्रमितों और मौत के आंकड़ों में बड़ी कमी आई है। दरअसल बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण और मौत के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वह राहत देने वाले हैं। संक्रमण दर 4.89% पर आ गया है। यह स्थिति बीते कुछ दिनों से संक्रमितों की संख्या में लगातार आ रही कमी के कारण बनी है। रोजाना जो आंकड़े पहले 500 और 1000 के पार थे, अब वो 100 के आसपास आ गए हैं। यही नहीं, मौत के आंकड़ों में भी बड़ी कमी देखने को मिल रही है। 15 दिन पहले जहां रोज दिन भर में 30 से ज्यादा जाने जा रही थी, अब यह आंकड़ा कम होकर 14-15 पर आ गया है। इधर कोरोना पर नियंत्रण और घटते आंकड़ों के बीच लॉकडाउन में भी रियायत मिलनी शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने 25 से 31 मई तक के लॉकडाउन में बड़ी रियायत दी है, जिसमें व्यापार को फिर से पटरी पर लाने और लोगों को राहत देने के लिए ऑड इवन के आधार पर 50% बाजारों को खोलने की छूट दी है। इस रियायत के साथ ही एक बार फिर बाजारों में फिर से रौनक लौटने की उम्मीद बढ़ गई है। इससे आगे बढ़ाया गया है और कुछ रियायत जरूर इसमें दी गई है, क्या कुछ स्थिति रहने वाली है? देखिए, अभी केसेस लगातार घट रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी घट रहा है और डेथ्स भी घट रही हैं, लेकिन केसेस अभी भी आ रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल लॉकडाउन हटाने की स्थिति में नहीं है। तो अभी 25 से लेकर 31 तक बिलासपुर में लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन गिरते हुए केसेस और पॉजिटिविटी को देखते हुए कुछ रियायतें इसमें और बढ़ा दी गई हैं। हम लोगों ने सभी प्रकार की एकल दुकानें जो हैं आपकी ऑड इवन की एक प्रणाली जो नगर निगम तय करेगा व्यापारियों के साथ में, उसके तहत 50% मार्केट्स जो हैं वो ओपन की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़। आप देख रहे हैं खटपट न्यूज़।